तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी एंड स्वागत है हमारे फिर से एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज मैं आपको कुछ ऐसे फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ जैसा कि आप मेरे होम स्क्रीन पर देख सकोगे गाइस। तो आइए इस वीडियो में आपको ऐसे फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी बनाया है गाइस, और यहाँ पर जो है पूरा हार्ड ब्लर के साथ बनाया है। तो गाइस आइए मैं आपको बताता हूँ इस टाइप का फोटो कैसे बनाया जाता है। तो गाइज फोटो को आप देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम है गाइज। तो अब कोई बात नहीं गाइज, मैं आपको बताऊंगा क्वालिटी कैसे हार्ड किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि फोटो को सबसे पहले शेयर कर देना है लाइट रूम के अंदर यानी LR के अंदर। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि लाइट रूम को ओपन करना है, और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लाइट रूम को ओपन कर रहा हूँ गाइज, और यहाँ पर जो है हमारा फोटो जो है आ चुका है। तो गाइज ये मेरा फोटो यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज आपको क्या कहना है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रीसेट का लिंक देगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको लाइट रूम के अंदर शेयर कर देना है, और दोस्तों उसका सेटिंग जो कॉपी कर लेना है जैसा कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, और अपने फोटो पर जो आपको पेस्ट करना है जो कि आपका एक ही क्लिक में फोटो जो है गोरा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो प्रीसेट यूज किया, तो गाइज फोटो जो है काफ़ी ज़्यादा साफ और काफ़ी ज़्यादा गोरा हो चुका है। तो गाइज आपको इतना काम लाइट रूम के अंदर करना है। अब दोस्तों फोटो को क्या करना है कि शेयर कर देना है स्नैपशीट के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कहना है कि आपको अपने फेस पर लाइट देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो इतना ज़्यादा अंधेरा है। तो ऐसे ही मैं ऐसा सेलेक्ट करके और ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, सिचुएशन को कुछ इतना पर रखूँगा गाइज। ऐसे ही हमको क्या कहना है कि करना है यहाँ पर गाइज काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लाइट देता हूँ और यहाँ पर भी गाइज। तो ऐसे ही क्या कहना कि आपको सारे जगह लाइट देना है, और आपका फ़ोटो जो है एकदम गोरा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज आप यहाँ पर देख ही सकते हो, और क्या कहना है कि गाइज आप देख ही सकते हो मेरा फ़ोटो पहले से तो कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लाइट आ चुकी है दोस्तों। और हाथों पर भी आपको क्या कहना कि एकदम अच्छे से ऐसे ही ब्राइटनेस बढ़ाना है गाइज। तो आप देख ही सकते हो फोटो अब दोस्तों पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इतना काम आपको क्या करना है कि स्नैपशीट के अंदर करना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, बैकग्राउंड को कलर करेंगे। तो गाइज हमको फोटो को लेकर चलेंगे डायरेक्ट पिकार्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से शेयर करता हूँ फोटो को पिकार्ट के अंदर गाइज। अब दोस्तों आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आप कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको इफेक्ट पे जाना, और यहाँ पर गाइज आपको एक कलर का ऑप्शन मिलेगा गाइज, जो कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और कलर रिप्लेस पर क्लिक करके आपको चाहिए अपने बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है गाइज। यहाँ पर आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर गाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा कलर आपको मिल रहा है। तो गाइज आप कोई भी कलर रख सकते हो, तो मैं कुछ कलर को इतना पर रखता हूँ गाइज, इसको मैं करता हूँ सही। अब दोस्तों हमको क्या कहना है कि फ़ोटो को यहाँ सेव कर लेना है, और दोस्तों इस पर क्या कहना है कि ब्लर करना है बैकग्राउंड को। तो हम कैसे करेंगे गाइज, हम क्या कहें कि फ़ोटो रूम को ओपन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर फोटो रूम ओपन हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा एक क्लिक में ब्लर कैसे कर सकते हो गाइज। तो आपको फ़ोटो को क्या कहना है कि सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि ये मेरा फ़ोटो हो गया, और यहाँ पर गाइज ये जो है ऑटोमेटिक क्या होता है कि ब्लर होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से ब्लर होता है, कितना ज़्यादा गाइज हार्ड होता है। तो यहाँ पर जो है स्कैनिंग हो रहा है गाइज, आप यहाँ पर देख ही सकते हो जो कि बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन आ देता है, हमको चले जाना है नीचे में। नीचे में गाइज हमको इतना पर नीचे जाना है गाइज, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि लिखा रहेगा गाइज यहाँ पर फोटो एडिटिंग क्लासिक, और इसका तो सी ऑल लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल ब्लर और कलर फ्लैश काफ़ी सारा जो ऑप्शन मिलता है गाइज, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो ब्लर वाला है ना, इस पर हमको क्लिक करना है जो कि यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। तो आप जैसा कि देख ही सकते हो इतना ज़्यादा ब्लर यहाँ पर पहले से हो चुका है गाइज। अब दोस्तों हम इसको एकदम अच्छे से और वो भी हार्ड वाला ब्लर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद दोस्तों नीचे में क्या करना है कि यहाँ पर ब्लर वाले पे क्लिक करके और यहाँ पर दोनों वाले पर क्लिक कर दे। अब दोस्तों ब्लर जो होता है वो हार्ड होता है, तो आपको जितना पर रखना है गाइज उतना पर आप रख सकते हो। मैं नॉर्मल कुछ इतना पर रखता हूँ गाइज पूरे, या फिर पूरे में क्या करता है यहाँ पर 85 कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो जो कि ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। इतना पर गाइज हमको रखना है जो कि मैंने 31 कर दिया है। और आप फोटो को शेयर करके यहाँ से क्या करना है कि सेव कर लेना है, और हमारा फोटो जो है सेव हो चुका है। तो गाइज अब फिर से क्या है कि स्नैपशीट को ओपन करेंगे, या फिर दोस्तों हम क्या कहते हैं कि पिकार्ट को ही ओपन कर लेते हैं गाइज। आपको पिकार्ट में दोस्तों जो PNG वगैरह उसको मैं आपको लगा के बता दूंगा पिकार्ट में ही। तो इसके लिए पिकार्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो रूम का जो है लोगो आएगा, ये आप देख ही सकते हो, इसको हमको हटाना है गाइज, जो कि रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगा। तो यहाँ पर अपने पुराने वाले फ़ोटो को हमको ऐड करना है जो कि ब्लर नहीं है गाइज, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे इनवाइट पर क्लिक करके यहाँ पर ऐसे मिटा देंगे।
और यहाँ पर जो है इतने सारे को हमको मिटाना है गाइस, इतना हमको मिटाना है, नीचे का जो पूरा हमको मिटा देना है। अब दोस्तों सही करना है इसको, यहाँ पर जो है पीएनजी वगैरह लगाना है हमको, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इस वाले पे चले जाना है आपको, इस वाले पे जाना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो ये लाइट वाला है इसको आपको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे गाइस मैं आपको लगा के बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों लगाना है तो आपको कहना है कि ये जो दो है इसको हमको मिटा देना, सिर्फ एक ही को लाइट को रहने देना है गाइस। फिर से क्या करना है कि ऐसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर सॉरी बैक करना है, फिर से आपको क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ पर गाइस ऐसे आपको लगाना है। तो इसके बाद कर देना है सही। अब दोस्तों क्या करना है कि एक और चीज़ हमको लगाना है जो कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जो कि टेक्स्ट पीएनजी है हमारा, जो कि ये वाला हमारा टैक्स पीएनजी, हमको इसको ऊपर में लगा देना है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर गाइस आपको कुछ इतना पर आपको टैक्स पीएनजी जो है ऐड करना है गाइस, आप देख ही सकते हो, इसको कर देना है सही। और गाइस हमारा फोटो पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड लग रहा है गाइस, इतना काम होने के बाद गाइस हमको कुछ भी नहीं करना है, फोटो को आपको सेव कर लेना है। अब दोस्तों सेव करने के बाद आपको कहना है कि इस पर रिमनी यूज करना है, जो कि मैं आपको रिमनी यूज करके बताता हूँ। रिमनी से क्या होता है कि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड हो जाती है गाइस। तो मैं अपने फ़ोन में रिमनी को ओपन करता हूँ, अगर आपके फ़ोन में रिमनी होगा तो गाइस आप रिमनी का यूज कर लेगा, तभी स्मूथ करिएगा। तो फाइनली गाइस मैंने रिमनी का यूज कर दिया गाइस, आप देख सकते हो क्वालिटी कितना ज़्यादा जो है हार्ड हो चुका है, जो कि पहले मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो अब कितना ज़्यादा हार्ड हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि पहले मेरा फोटो इस टाइप से था गाइस, देखिए इतना ज़्यादा लो है क्वालिटी। और इसके बाद दोस्तों मैंने रिमनी यूज किया तो क्वालिटी कुछ इतना पर हो गया गाइस। तो अब क्या करें कि फ़ोटो को लेकर चलेंगे स्मूथ करने के लिए ऑटो ट्रेस के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑटो ड्रेस के अंदर फोटो जो है शेयर कर दिया। अब दोस्तों हमको कौन सा ब्रश यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर इस वाले ब्रश पे क्लिक करना है और दोस्तों सेटिंग आपका कुछ इतना पर रहना चाहिए। अब दोस्तों क्या करना है कि फोटो को करना है जूम और दोस्तों साइज को आप इतना रख लीजिएगा। अब दोस्तों फेस पर ऐसे क्या करना है कि आपको रगड़ना है, जो कि आपका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है स्मूथ होगा। तो ऐसे ही आपको भी काम कर लेना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एकदम अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही क्या करना है कि आपको स्मूथ करना है और यहाँ पर भी दोस्तों एकदम अच्छे से आपको करना है गाइस। ज़्यादा अगर जल्दी में करें गाइस आपका फ़ोटो ख़राब हो जाएगा। एकदम आराम आराम से और एकदम अच्छे तरीके से मुलायम करना है फेस को, क्योंकि आपका फेस कितना ज़्यादा अच्छा होगा गाइस आप देख ही सकते हो, और स्मूथ होने के बाद दोस्तों और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपको काम कर लेने हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा फेस जो है स्मूथ करके आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा हार्ड होता है स्मूथ करने के बाद। तो आप यहां पर देख ही सकते हो कितना था फोटो हमारा अच्छा लगा है, सारे पिंपल वगैरह सब हट जा रहे हैं गाइस, जो कि अगर आपके फेस पर दाने वगैरह पिंपल होंगे तो सब के सब स्मूथ करने के बाद हट जाते हैं गाइस, आप यहां पर देख ही सकते हो। तो नाकों को दोस्तों इस टाइप से आपको स्मूथ कर देने हैं, यहां पर ऐसे मिला देने हैं गाइस उसके बाद, और यहाँ से भी ऐसे, इतना काम आपको करना है ऑटोडेस्क के अंदर। दोस्तों यहाँ पर गर्दन को भी एकदम अच्छे से आपको स्मूथ कर देना है इस टाइप से, जैसा कि मैं कर रहा हूँ स्मूथ, और हमारा गर्दन भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कानों पर साइज़ को छोटा करके थोड़ा थोड़ा बस हल्का हल्का आपको लगा देने हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा छूटा है तो इसको मैं एकदम मेंटेन कर देता हूँ, जो कि अब हमारा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको करना है, तो साइज़ को बड़ा कर लेंगे और ऐसे सीधे सीधे करके हमको यहाँ पर रख देंगे और रगड़ देंगे, तो हमारा हाथ भी जो है स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही हमको जैसा है वैसे गाइस हमको स्मूथ कर देना है। इसके बाद इसको ज़्यादा नहीं करना है गाइस। अब दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इतना करने को दोस्तों ओठों को अब लाल करते, तो इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाता है। और दोस्तों यहाँ से क्या करना कि हमको एक दूसरा जो ब्रश यूज करना है ये वाला दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जो है इसको हमको लाल कर देंगे और सेटिंग कुछ दोस्तों आपको इतना पर कर देना है गाइस। अब दोस्तों क्या करेंगे, जूम करना है, साइज़ को छोटा करना है और इस टाइप से दोस्तों ओठों पर बस आपको लगाना है गाइस, इतना तो आप काम कर ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पर जाकर ऑपेसिटी को इसका कम कर देना है कुछ इतना पर गाइस। अब दोस्तों फोटो को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं। इतना काम दोस्तों होने के बाद हम क्या करेंगे कि इस फोटो को लेकर चलेंगे लाइट रूम के अंदर। वहाँ पर गाइस मैं लाइट एडजस्ट करके आपको दिखाऊँगा, लाइट मिला के दिखाऊँगा और फोटो दोस्तों जो कि वाइट टोन जो है और अच्छे तरीके से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, वो भी दोस्तों एक ही क्लिक में गाइस। तो ये मेरा फोटो हो गया, तो लेकर चलता हूँ डायरेक्ट लाइट रूम के अंदर। यहाँ पर आप देख ही सकते हो फोटो हमारा लाइट रूम के अंदर जा चुका है। तो हम क्या करते हैं लाइट रूम को ओपन कर लेते हैं
और जैसा कि यहाँ पर मेरा लाइट रूम ओपन हो चुका है और गाइज ये मेरा फोटो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में एक प्रीसेट का लिंक दिया गया है उसको दोस्तों आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, जो कि मैंने इसी फोटो का प्रीसेट बना के आपको दे दूंगा गाइज, डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद दोस्तों डायरेक्टली अपने फ़ोटो में जो है उसको पेस्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे गाइज, यहाँ से कॉपी करके और इस पर पेस्ट कर देंगे तो हमारा फ़ोटो एक ही क्लिक में इतना ज़्यादा गोरा और दोस्तों यहाँ पर वाइट टोन आ जाएगा और फोटो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज, तो आप भी इस टाइप का फोटो बनाइएगा दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।